Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to your own channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Welcome back in another new video. So today's topic is anatomy of cockroach. So in this particular video, we basically discuss about digestive system of cockroach, what their digestive system, which organ found in cockroach digestive system. And what is foregut, what is midgut, what is hindgut, each and everything is covered in this particular video. So first we read what written in NCERT textbook, after that elaborate each and everything with simple and easy manner. So anatomy of cockroach. So let's start without wasting any time. The alimentary canal present in body cavity is divided into three रीजन है ना. जो काकरोच की एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है बॉडी की कैविटी में, यानी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी तो बॉडी की कैविटी में ही पाई जाएगी. जैसे हमारी कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल पाई जाती है. हमारी एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है, क्या होता है, आहार नाल, है ना. इसका मतलब होता है आहार नाल. आहार नाल है ना, बॉडी कैविटी के अंदर ही पाई जाएगी. भाई ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से गर्दन से लटक रही है, ऐसा नहीं होता है ना. बॉडी के अंदर ही पाई जाएगी. एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट बॉडी कैविटी डिवाइडेड, जिसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं. कौन से पार्ट होते हैं इसके. फोरगट होता है. फोर का मैंने मतलब बताया था, फोर का मतलब होता है आगे, आगे या पहले, ठीक है, आगे या पहले, ठीक है, आगे या पहले फोरगट. और हैंडगट का मतलब होता है बाद में या पीछे, है ना, बाद में या पीछे. यानी फोरगट का मतलब हुआ, यानी वो गट जो आगे से भी पाई जाएगी एलिमेंट्री कैनाल के आगे से भी तरफ प्रेजेंट होगी, और हैंड गट मतलब बैक साइड पे पाई जाएगी, यानी इसके बाद फिर रेक्टम और एनस आ जाएगा, ठीक है. और जो मिड गट होता है, मिड गट का मतलब होता है मिड मतलब मिडिल, मिडिल यानी बीच में, है ना. मिड गट जो पाई जाएगी इन दोनों के बीच में पाई जाएगी, यानी फोरगट और हैंड गट के बीच में पाई जाएगी, यानी इसके नाम से ही पता चला है मिड यानी मिडिल में, ठीक है. वो गट जो मिडिल में पाई जाएगी. तो यानी इसके एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट हो गए, थ्री रीजन हो गए, फोरगट, मिडगट और हैंडगट, ठीक है. आगे देखते हैं. द माउथ ओपन इन टू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स. जो काकरोच का माउथ होता है एक ट्यूबुलर फेरिंग्स में ओपन होता है. ट्यूबुलर फेरिंग्स का मतलब क्या था, ट्यूबुलर फेरिंग्स का मतलब ट्यूब लाइक फेरिंग्स होगी इसकी, यानी ट्यूब लाइक फेरिंग्स, ट्यूब लाइक फेरिंग्स, ट्यूब लाइक क्या होगी इसकी, ट्यूब लाइक फेरिंग्स होगी, सॉरी, ट्यूब लाइक फेरिंग्स होगी, यानी इसकी फेरिंग्स होगी ट्यूबुलर होगी. फेरिंग्स के बाद क्या पाया जाएगा, फेरिंग्स के बाद एक फेरिंग्स के बाद एसोफेगस पाया जाएगा, है ना. फेरिंग्स के बाद क्या होगा, एसोफेगस होगा. एसोफेगस के बाद क्या होगा, क्रॉप पाया जाएगा. क्रॉप जो होता है हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, यानी क्रॉप में होगा, फूड स्टोरेज करेगा कॉकरोच. उसके बाद क्या पाया जाएगा, गिजार्ड पाया जाएगा. गिजार्ड जो कि ग्लैंडिंग का काम करता है, मैंने आपको बताया था अर्थवर्म वाले चैप्टर में कि जो क्रॉप का काम होता है वो स्टोरेज का काम करता है, और इसमें गिजार्ड जो होता है वो ग्राइंडिंग का काम करता है. यानी जैसे हमारे घरों पे मिक्सी होती है उसमें ग्राइंडर होता है, उस तरीके का काम करेगा क्या, गिजार्ड. तो टेस्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. जो माउथ के बाद क्या पाया जाता है, माउथ के बाद एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स पाई जाती है. ट्यूबुलर फेरिंग्स लीड नैरो ट्यूबुलर पैसेज, जिसे हम ओएसोफेगस बोलते हैं, है ना. ओसोफेगस के बाद क्या होता है, ओसोफेगस दिस इज टर्न ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप. ये ओसोफेगस जो ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना. सैक लाइक का मतलब होता है थैले के नुमा, है ना, थैले नुमा, है ना. सैक यानी बैग लाइक, क्या बोलेंगे इसको, बैग लाइक, है ना, बैग लाइक, है ना. ये बैग लाइक होता है स्ट्रक्चर
कि कौन सा स्ट्रक्चर क्रॉप जो होता है वो बैग लाइक होगा है, बैग लाइक होगा यानी उसमें थैले की नुमा होगा। जैसे हम मार्केट से थैले में कोई चीज़ रखते हैं, स्टोर करते हैं, है ना, मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो थैले में लाते हैं, तो थैले में सब्जियां भरने का काम हुआ, तो उसी तरह जो क्रॉप होगा वो हेल्प करेगा स्टोरिंग ऑफ फूड, यानी फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा। आप समझ गए होंगे, इससे सिंपल कुछ कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है समझाने का तरीका, ठीक है। द क्रॉप इज फॉलोड बाई गिजार्ड, क्रॉप के बाद क्या होता है, क्रॉप तो फूड स्टोरिंग का काम करेगा, जो गिजर्ड होगा वो काम क्या करेगा, ग्लाइडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, है ना। द क्रॉप फॉलोड बाई गिजर्ड, गिजर्ड को हम और क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, ये इसका सेकंड नाम इम्पोर्टेंट है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि गिजर्ड का सेकंड नाम क्या है, गिजर्ड का सेकंड नाम जो है वो प्रोवेंट्रिकुलस है, ठीक है, यानी गिजर्ड का जो सेकंड नाम है प्रोवेंट्रिकुलस है, हेल्प इन द ग्लाइडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है, यानी फूड पार्टिकल को ग्लाइड करेगा। आगे देखते हैं, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली कैटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ, यानी काकरोच में जो होते हैं वो टीथ कैसे बनते हैं, काकरोच में टीथ कैसे बनते हैं उसमें हमको ये बताया गया है, ठीक है, कि जो होता है गिजर्ड होता है उसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर होती वो उसमें थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं, और जो उसकी इनर लेयर होती है वो उसमें भी थिक इनर क्यूटिकल होती है, थिक इनर क्यूटिकल होगी जो कि फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस, जो कि छह हाईली काइटिनस, यानी उसमें जो काइटिन पाया जाएगा वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। काइटिन जो होता है इन्वायरमेंट के प्रति बहुत रेजिस्टेंस होता है, उसके इन्वायरमेंट जल्दी से डिग्रेड नहीं कर पाता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का वो काइटिन का बना होता है, काइटिन होता है जो होमोपॉलीमर होता है, क्या होता है, होमोपॉलीमर, काइटिन जो है होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर मतलब यानी एक यूनिट से, पॉलीमर की एक यूनिट से मिलके बनेगा तो उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। अब इसकी पॉलीमर की कौन कौन सी यूनिट से मिलके बनता है तो उसका नाम होता है एन ए जी, नाग एंड नाम, है ना, नाग और नाम पॉलीमर की ये एक तरह की यूनिट से मिलके बनता है। नाग का फुल फॉर्म होता है एन एस्ट्रिल ग्लूकोसामिन और नाम का फुल फॉर्म होता है एन एस्ट्रिल म्यूरामिक एसिड, यानी एन एस्ट्रिल ग्लूकोसामिन और एन एस्ट्रिल म्यूरामिक एसिड ये होमोपॉलीमर है, यानी काइटिन का से मिलके बनता है, होमोपॉलीमर है, तो ये हम इसको फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, काइटिन को फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना, तो उससे यह सिक्स हाईली काइटिनियस प्लेट से मिलके बनता है जिसको टीथ बोलते हैं, ना जिसको टीथ बोलते हैं यानी दांत। तो इसका मतलब हुआ दांत कैसे बनते हैं, दांत में जो होता है गिजर्ड होता है, गिजर्ड में आउटर जो होती है थिक सर्कुलर मसल होती है और इनर थिक क्यूटिकल की मसल क्यूटिकल होता है, जो कि सिक्स हाईली काइटिनस, सिक्स जो होती है हाईली काइटिनस काइटिन की बनी हुई छह प्लेट्स पाए जाएंगे जिसको टीथ बोलते हैं, है ना। गिजर्ड हेल्प इन ग्लाइंडिंग द फूड पार्टिकल, मैंने आपको बताया था गिजर्ड का काम क्या होगा, गिजर्ड का काम होगा फूड पार्टिकल को ग्राइंड करेगा, ग्राइंडिंग करेगा यानी पीसेगा, ठीक है। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल, जो इसकी फोरगट होती है यानी आगे वाली जो एलिमेंट्री कैनाल की गट होगी वो काकरोच में उसमें पूरे में क्या पाया जाएगा, क्यूटिकल की एक कवरिंग पाई जाएगी, क्यूटिकल पाया जाएगा, ठीक है। ए रिंग ऑफ सिक्स टू एट ब्लाइंड ट्यूबुलर कॉल्ड, है ना, इसमें छः से आठ ट्यूबल्स पाए जाएंगे, है ना, ब्लाइंड ट्यूबल पाए जाएंगे जिनको क्या बोलते हैं, हिपैटिक और गैस्ट्रिक इकाई बोलते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, है ना, फोरगट यानी आगे वाली गट और मिडगट यानी बीच वाली गट के बीच में एक में जंक्शन पाया जाएगा, वहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, हिपैटिक को ही, हिपैटिक वाटर रिलेटेड है लीवर से, है ना, और लीवर से ही हमारा बाइल जूस वगैरह बनता है ना, यानी गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनता है, तो हिपैटिक को इसमें बोल देंगे गैस्ट्रिक सिकाई बोलते हैं ना। गैस्ट्रिक सिकाई जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सिक्स से एट ब्लाइंड होते हैं, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको गैस्ट्रिक सिकाई बोलते हैं और हिपैटिक बोलते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में पाए जाते हैं, बट मिडगट और हैंडगट के जंक्शन में कुछ और पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा, मेलपिगियन ट्यूबल्स जो होते हैं वो मिडगट और हैंडगट के बीच में पाए जाते हैं जंक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, जो गैस्ट्रिक सिकाई होते हैं वो क्या करते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रिक जूस का यानी डाइजेस्टिव जूस का ये सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, है ना, ये सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस यानी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा क्या, गैस्ट्रिक सिकाई और हेपेटिक, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, है ना, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में क्या पाया जाएगा, एक अनदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें से 100 से 150 यानी 100 to 150
येलो कलर के थिन फिलामेंटस पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मैलपिगियन ट्यूबुल बोलते हैं। मैलपिगियन ट्यूबुल होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स में क्या करते हैं, स्केलेटिंग फंक्शन होते हैं, यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन स्केलेटरी फंक्शन होते हैं, है ना। सो ये मैलपिगियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, मिड गट और हैंड गट के जंक्शन में। ये येलो कलर के थिन फिलामेंटस होते हैं जो कि 100 से 150 येलो कलर के थिन फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, इनको मैलपिगियन ट्यूबुल्स बोलते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया मिडगट और हैंड गट के जंक्शन में, याद रखेंगे। और जो फोर गट और मिड गट के जंक्शन में क्या पाए जाते हैं, हेपेटिक तो गैस्ट्रिक सिकाई पाए जा रहे थे। जो गैस्ट्रिक सिकाई थे वो गैस्ट्रिक जूस का यानी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कर रहे थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, ठीक है, किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब जो मैलपिगियन ट्यूबुल्स होते हैं, मैलपिगियन ट्यूबुल्स का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया जो आर्थ्रोपोड्स होंगे उनमें, इंसेक्ट में आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं उसमें क्या करेंगे, ये मैलपिगियन ट्यूबुल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जैसे हमारे अर्थवर्म में था, अर्थवर्म में एनेलिड्स, एनेलिड्स में क्या था, जो नेफ्रेडिया पाए जा रहे थे, ठीक है, हम लोग में किडनी वगैरह पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन भी अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अदा करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट रोल करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैलपिगियन ट्यूबुल दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, है ना, यानी ये जो होते हैं हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। हीमोलिम्फ, हीमो यहाँ से इसको बताते हैं आपको, हीमो, हीमो का मतलब होगा ब्लड से, ब्लड से रिलेटेड हुआ ये हीमो, हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड, है ना। ब्लड में जो लिम्फ पाया जाएगा उसमें जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे उनको रिमूव करने में हेल्प करेंगे, है ना। द हैंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, है ना। जो हैंड गट होती है काकरोच की वो ब्रॉड होती है यानी चौड़ी होती है मिड गट से, यानी बीच वाली गट से पीछे वाली गट या लास्ट वाली गट जो उसके बाद रेक्टम होगा, रेक्टम के बाद ओपन होगा वो एनस में, तो यानी जो हैंड गट होगी वो मिड गट से क्या होगी, चौड़ी होगी, चौड़ी होगी, है ना, क्या होगी, ब्रॉड यानी चौड़ी होगी, यानी हैंड गट जो होगी वो मिड गट से चौड़ी होगी। और ये जो हैंड गट होती है डिफ्रेंशिएट होती है किसमें, किसमें, इलियम कोलन एंड रेक्टम। जैसे हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है सीकम रेक्टम कोलन में, है ना। तो इसमें काकरोच में क्या होता है, काकरोच की जो हैंड गट होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है इलियम कोलन एंड रेक्टम में, है ना। हमारा जो हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो डिफ्रेंशिएट होगी सीकम रेक्टम और कोलम में, है ना। एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मॉइड कोलन, ये चार टाइप में डिवाइड होती है, पर इसमें कुछ अलग है वो आपको बताता हूँ, है ना। इसमें क्या है, ये जो हमारी हैंड गट होती है इसमें काकरोच में वो इलियम कोलन और रेक्टम में डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। रेक्टम ओपन थ्रू एनस, जो रेक्टम होता है रेक्टम के बाद क्या होगा, एनस आएगा, एनस जो होगी बाहर की ओपनिंग होगी, एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एनस, है ना। क्या होगा एनस, क्या होगा एनस, क्या होगा एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एनस, मतलब उसके बाद सारी की सारी यानी फीकल मेटल जो होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, माउथ से जाएगा। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बट एनस इज द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी पीछे का हिस्सा जो होगा वहाँ से सारी की सारी फीकल मेटल वगैरह निकाल दिए जाएंगे। काकरोच में, हम लोग में भी यही होता है, ठीक है, एनस के थ्रू ही सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आते हैं यानी फीकल मेटल बाहर आता है, ठीक है। सो इसका हम फिगर दिखा देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का काकरोच में, ये काकरोच में देखो, ये जो है ये फेरिंग्स दिखाया गया है, ये हमारा माउथ का पार्ट हो गया, कंपाउंड आइज पाए जाएंगे, वो मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले इसमें बताया था, वो फिर से मैं नहीं डिस्क्राइब करूँगा वरना लेंदी हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। ये फेरिंग्स पाया जाएगा, फेरिंग्स जो होगा इसका कैसा होगा, वो ट्यूबुलर होगा, बट मस्कुलर फेरिंग्स कहाँ पर पाया जा रहा था, अर्थवर्म में, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से लाइन से भी क्वेश्चन आएगा कि ट्यूबुलर फेरिंग्स किस में पाया जा रहा है, मस्कुलर फेरिंग्स किस में पाया, डिफ्रेंशिएट करने को बोल देगा, क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है। उसके बाद सेलेबरी ग्लैंड पाए जा रहे हैं जो कि सलाइवा में एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सेलेबरी का रिजर्वायर, सेलेबरी ग्लैंड का एक रिजर्वायर थैले के तरीके पाया जा रहा है ना, क्रॉप के तरीके स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, थैले नुमा पाया जा रहा है, तो यानी थैले में ही कोई चीज़ रिजर्व कर सकते हैं,
समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, एसोफेगस है, जो कि फेरिंग के बाद एसोफेगस आती है। उसके बाद क्या आता है, क्रॉप आता है। क्रॉप जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी थैलियोगनुमा स्ट्रक्चर है, जो कि स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा। उसके बाद क्या है, गिजर्ड आया। गिजर्ड को प्रीवेंटिकुलस बोल रहे थे, इसकी ये गिजर्ड से ही हमारे टीथ बन रहे थे, है ना। 6 हाईली काइटेनियस प्लेट थी, उससे ही टीथ बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिपैटिक सिकाई पा गया। हिपैटिक सिकाई यानी यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे फोरगट की स्टार्टिंग होगी। किसकी होगी, फोरगट की स्टार्टिंग होगी। फोरगट में और मिडगट के बीच में क्या पाए जा रहे थे, हिपैटिक सिकाई पाए जा रहे थे। हिपैटिक सिकाई को हम क्या बोले थे, गैस्ट्रिक सिकाई बोल रहे थे, ठीक है। और मिडगट को मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं, इसके नाम से ही पता चला है, मिड मतलब बीच में, है ना, इसलिए इसको बोला, क्या बोला, मिडगट को मिजेंट्रॉन भी बोला गया, ठीक है। और फोरगट और मिडगट के बीच में हिपैटिक सिकाई पाए जा रहे थे। उसके बाद जो ये क्या, मेलपिगियन ट्यूबल जो होते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मिड गट और हैंड गट के जंक्शन में पाए जा रहे थे, 100 से 150 थे, ठीक है, येलो कलर के फिलामेंटस, ठीक है, जिसको मेलपिगियन ट्यूबल बोल रहे थे। ये देखो दिखाए गए, ये जो हैं मेलपिगियन ट्यूबल्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, इलियम, कोलन और रेक्टम आ गया, है ना। इलियम आ गया यानी इलियम, कोलन और रेक्टम ये पार्ट हैं, किसके बाद के पार्ट हैं, ये यानी हैंड गट के, ठीक है। हैंड गट में जो होगा, इलियम, रेक्टम और कोलन, यानी हैंड गट को डिफ्रेंशिएट किया गया था ना, इलियम, कोलन और रेक्टम में। रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा, एनस में आ जाएगा। रेक्टम के बाद एनस आ जाएगा। एनस इज द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद फीकल मेटल यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में। सो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। तो इफ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।